उत्तर प्रदेश के किराना में धीमी गति से मतदान चल रहा है। प्रशासन जबरन मतदान की गति को प्रभावित कर रहा है। सपा ने आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा है। सपा ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की मांग की है। सपा ने मुस्लिम वोटरों से अभद्रता का भी आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है। वोटिंग के बीच सपा ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने भाजपा समर्थकों पर बूथ कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही सपा ने यह भी कहा है कि पुलिस मुस्लिम वोटरों से अभद्रता कर रही है। सपा ने अपने अधिकारी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सपा ने ट्वीट कर कहा कि रामपुर लोकसभा के विलासपुर में बूथ संख्या 52 पर भाजपा समर्थकों द्वारा बूथ पर कब्जा किया जा रहा है। सपा के वोटरों को भगाया जा रहा है। किराना लोकसभा के गंगोह में बूथ संख्या 7 पर प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। वहीं किराना लोकसभा के शामली में बूथ संख्या 447 पर मुस्लिम मतदाताओं के साथ पुलिस अभद्रता कर रही है। मुस्लिम वोटरों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा। चमरोआ में बूथ संख्या 82 पर पुलिस द्वारा सपा के एजेंट को जबरन थाने में बंद किया गया। मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। रामपुर लोकसभा के चमरोआ में बूथ संख्या 182, 183, 185 पर पुलिस द्वारा जबरन मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं सपा ने कहा कि बिजनौर लोकसभा के बिजनौर में बूथ संख्या 92 पर प्रशासन मतदाताओं से अभद्रता कर रही है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। सहारनपुर नगर में बूथ संख्या 270 पर दो वार्डों के लिए एक ही ईवीएम होने के कारण मतदान में परेशानी हो रही है। सपा ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है उनमें सहारनपुर, बिजनौर, किराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 7 महिलाएं शामिल हैं।